उपराष्ट्रीय पल्स पोलियो टीकाकरण अभियान के तहत 27 जून को 0 से 5 वर्ष तक के नौनिहालों को पोलियो खुराक पिलाई जाएगी। वहीं अभियान को लेकर शनिवार को कार्यशाला का आयोजन किया गया। कार्यशाला में चिकित्सा विभाग के अधिकारियों ने उपस्थित आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं, आशा और नर्सिंग छात्र छात्राओं को अभियान को सफल बनाने को लेकर जानकारियां दी। 27 जून रविवार को उपराष्ट्रीय पल्स पोलियो अभियान के सफल आयोजन के लिए शनिवार को जीएनएम ट्रेनिंग सेंटर में आशा सहयोगिनी, कार्यकर्ता, नर्सिंग स्टूडेंट और एएनएम के लिए प्रशिक्षण कार्यशाला का आयोजन हुआ। जिला प्रजनन एवं शिशु स्वास्थ्य अधिकारी डॉ. प्रीत मोहिंदर सिंह ने बताया कि इस प्रशिक्षण कार्यशाला में आशा सहयोगिनी, कार्यकर्ताओं, नर्सिंग कर्मियों और एएनएम को 0 से 5 वर्ष तक के बच्चों को पोलियो की दवा पिलाने के साथ घरों पर मार्किंग करने के निर्देश दिए गए। जिला प्रजनन एवं शिशु स्वास्थ्य अधिकारी डॉ. सिंह ने बताया कि उपराष्ट्रीय पल्स पोलियो अभियान के तहत जिले के कुल 4,19,570 बच्चों को पोलियो की दवा पिलाई जाएगी। उनके अनुसार कार्यक्रम के सफल संचालन के लिए जिले में 520 बूथ बनाए गए हैं। इन बूथों पर रविवार को 0 से 5 वर्ष तक के बच्चों को पोलियो की दवा पिलाई जाएगी। वहीं सोमवार एवं मंगलवार को प्रत्येक घर घर पहुंचकर टीमों द्वारा बच्चों को पोलियो की दवा पिलाई जाएगी। डॉक्टर सिंह के अनुसार घर घर पहुंचकर बच्चों को दवा पिलाने के लिए विभाग द्वारा 3,633 टीमें बनाई गई है। साथ ही 79 ट्रांजिट टीमें बनाई गई है ताकि कोई बच्चा पोलियो की खुराक से वंचित ना रहे। हमने पल्स पोलियो अभियान को लेकर कार्यशाला रखी हुई है, जिसमें हमारा उद्देश्य आगामी 27 तारीख को जो एक अभियान है जिसका नाम है उपराष्ट्रीय टीकाकरण अभियान, जिसको हम बोलते हैं SNID। NID में तो हम पूरे भारतवर्ष के अंदर पोलियो की दवा 2 बूंद जो है 0 से 5 साल तक के बच्चों को पिलाते हैं। इस अभियान के अंदर हम केवल हमारे राजस्थान के 4 जिलों को 0 से 5 साल तक के बच्चे उनको दवा पिलाएंगे। उद्देश्य ये रहता है कि ये जो 4 जिले हैं और यहाँ पे जो हमारा ज़िला है बॉर्डर एरिया है और 125 देश तो पोलियो से मुक्त हो चुके हैं, लेकिन जो पाकिस्तान है वो हमारा बिल्कुल पड़ोसी देश है और वहाँ पे पोलियो के कुछ वायरस, कुछ विषाणु हैं, अभी भी केसेस हैं। तो क्योंकि ये बिल्कुल बॉर्डर नज़दीक है तो हमें एक अभियान चलाना पड़ता है, जिसके कारण हमारा कोई भी जो 0 से 5 साल तक का बच्चा है वो विषाणु से ग्रसित नहीं हो सके। तो प्रशिक्षण कार्यशाला के दौरान WHO के SMO डॉक्टर पंकज सुथार ने बताया कि पोलियो वायरस वातावरण में दूषित पानी, खाना, गंदे हाथ के रास्ते, मुंह के रास्ते मानव शरीर में प्रवेश करता है और आंत में आकर बस जाता है। उसके बाद रक्त के प्रभाव के साथ दिमाग एवं रीढ़ की हड्डी में आक्रमण कर तंत्रिका तंत्र को क्षति पहुंचाता है। जिला आशा समन्वयक राकेश भाटी ने बताया कि बाड़मेर शहर के 55 वार्डों में 70 टीमों द्वारा पोलियो की दवा पिलाने के कार्य को अंजाम दिया जाएगा। शहरी क्षेत्र में पोलियो रविवार को पहले दिन टीमों द्वारा निर्धारित बूथों पर बच्चों को पोलियो की दवा पिलाई जाएगी और शेष रहे बच्चों को सोमवार और मंगलवार को स्वास्थ्य विभाग की टीमें घर घर पहुंचकर पोलियो की दवा पिलाने का कार्य करेगी। प्रशिक्षण कार्यशाला में डिप्टी CMHO डॉक्टर सत्ताराम भाकर, WHO के SMO डॉक्टर पंकज सुथार, जिला कार्यक्रम प्रबंधक सचिन भार्गव, UPM अरविंद सांगवा, विक्रम सिंह साधु, PHM मूल शंकर दवे, हरीश कुमार, ओम प्रकाश विश्नोई, ICDS सुपरवाइजर दुर्ग सिंह सोढ़ा, सुभाष शर्मा सहित बड़ी संख्या में आशा सहयोगिनी, कार्यकर्ता, नर्सिंग स्टूडेंट एवं ANM उपस्थित रहे।